सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज आप लोग के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल करके बिहार बोर्ड की तरफ से सामने आई है। अपडेट क्या है? अपडेट आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, यानी जो 2024 में जो आपका मैट्रिक का जो फाइनल एग्जाम होगा, जो आपका फाइनल पेपर का जो एग्जाम होगा, इसको लेकर के बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली आज बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो आपके अध्यक्ष हैं आनंद किशोर के द्वारा से आपका जो एग्जाम डेट है उसको फाइनली जारी कर दिया गया है। किस दिन कौन सा पेपर का एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, सारा का सारा डिटेल आज जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। ऑफिशियली इसको जारी किया गया है और उस ऑफिशियली का पीडीएफ भी हमारे पास है और पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पीडीएफ से मैं आपको बता रहा हूं कि किस दिन कौन सा पेपर होगा। एग्जाम आपका स्टार्ट है 15 फरवरी से, डेट को ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है और पहले दिन आपका हिंदी पेपर का एग्जाम है। तो ये पेपर कौन सा, कौन दिन पेपर है, यानी कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन है, ये ऑफिशियली मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस दिन कौन सा पेपर आपका होने वाला है, यानी आपका जो फाइनल सेमेस्टर का जो फाइनल एग्जाम है, जो इस बार का जो फाइनल एग्जाम है, वो फाइनल एग्जाम आपका कब होगा, इसको लेकर के हमारे पास पीडीएफ है और पीडीएफ ऑफिशियली है। ये मैं पीडीएफ आपको दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट मिल सके। ये आपका पीडीएफ है, इसी पीडीएफ में सारा हिसाब किताब बताया गया है कि किस दिन कौन सा पेपर का एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं आपके मैट्रिक एग्जाम को लेकर के सारे जानकारी के बारे में। तो अगेन मैं आपसे रिपीट करता हूं, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलते रहे। साथ ही साथ जो क्रैश जो कोर्स है, जो कह सकते हैं जो क्रैश जो पेपर है, जिसके जरिए से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन, कौन कौन से मल्टीपल क्वेश्चन, कौन कौन से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन एकदम से सटीक आपके एग्जाम में आएगा, इसको लेकर के भी आपको वीडियो मिलेगा चैनल के माध्यम से। तो लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। चलिए देखते हैं आपकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट्रिक परीक्षा के बारे में। ये जो पीडीएफ है तकरीबन 14-15 पेज का पीडीएफ है, इस पीडीएफ में मैट्रिक, इंटर सब कुछ के बारे में बताया गया है। लेकिन अभी फिलहाल आपको मतलब है किससे, तो अभी आपको मतलब है मैट्रिक एग्जाम से। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ मैट्रिक एग्जाम वाले, जहां पे मैट्रिक एग्जाम के बारे में बताया गया है। तो ये रहा हम लोग का माध्यमिक परीक्षा के आयोजन से संबंधित गतिविधियों के लिए 2024 का कैलेंडर, यानी 2024 में कब से कब तक आपका काम होगा, इसको लेकर के बताया गया। तो देख सकते हैं यहीं से बताया गया, सबसे पहले आपको बताया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र, यानी एग्जाम फॉर्म भराने के बाद में जो एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए, वो कब से आएगा, सबसे पहले यही बात बताया जा रहा। तो एडमिट कार्ड आने का डेट क्या है, 8/1/2024, यानी 8 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्जाम के लिए। और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड जाता है, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षा होगा। और जो प्रायोगिक परीक्षा है उसका डेट क्या है, इसका डेट है आपका 18 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में। तो आपको पता चल गया कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा एग्जाम का। तो एडमिट कार्ड आपका आ रहा है 8 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में, आपका हर हाल में एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद में जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कब आ जाएगा, तो 18 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम आपका हो जाएगा। और जैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाता है, इसके बाद में आपका 2024 का जो जनवरी है जैसे ही खत्म होगा, फरवरी में जैसे आप एंट्री कीजिएगा, जो आपका एग्जाम है एग्जाम के लिए डेट आ जाएगा, यानी एग्जाम का जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहला एग्जाम आपका होता है 15 फरवरी को, और 15 फरवरी को जो एग्जाम होता है वो कौन से पेपर का होता है, तो वो अपना पहला शिफ्ट यानी प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली में जो एग्जाम होता है वो आपका क्या होता है, 15 फरवरी को, डेट का ध्यान रखिएगा, मैं डेट के बारे में बात कर रहा हूँ, 15 फरवरी। तो डेट अपना 15 फरवरी को कौन सा पेपर होगा, हिंदी का, बंगला का, उर्दू का, मैथिली का, यानी जिनका भी पेपर हिंदी का है उनका एग्जाम किस दिन होगा, इनका एग्जाम होगा 15 फरवरी को। डेट ध्यान रखिएगा, दिन आपका गुरुवार है और इस दिन से आपका पेपर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये पेपर का कोड है, तो यहाँ पे दोनों सिटिंग में अपना हिंदी का एग्जाम है। कुछ स्टूडेंट का हो सकता है कि प्रथम पाली में हो, कुछ स्टूडेंट का हो सकता है द्वितीय पाली में हो, लेकिन डेट आप ध्यान रख लीजिए कि पहला यानी कि 15 फरवरी को कौन सा पेपर होने वाला है, आपका हिंदी होने वाला है। वही अगर बात करें 16 फरवरी के बारे में, तो 16 फरवरी को आपका पेपर है, गणित का पेपर है। और ये गणित का पेपर कब होगा, ये 16 फरवरी को होगा। गणित पेपर के बाद आगे बढ़ते हैं तो 17 फरवरी को आपका द्वितीय भारतीय भाषा है,
द्वितीय भारतीय भाषा में क्या क्या हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, अरबी, फारसी, यानी जो एग्जाम है संस्कृत का वो कब हो जाएगा, 17 फरवरी को हो जाएगा। इसके बाद अगर आगे बताएं आपको तो 17 फरवरी के बाद आगे चलते हैं तो अब आती है बारी अपनी कौन से पेपर का, अपना आता है 19 फरवरी के बारे में। तो 19 फरवरी को आपका क्या है, सामाजिक विज्ञान है, 19 फरवरी को आपका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हो जाएगा। इसके बाद 20 फरवरी को क्या हो जाएगा, आपका विज्ञान का हो जाएगा, यानी साइंस का परीक्षा हो जाएगा, वही है जिसका कुछ स्टूडेंट का प्रथम पाली में, कुछ स्टूडेंट का द्वितीय पाली में। तो आगे बढ़ते हैं, 21 फरवरी में अगर पहुंचते हैं तो 21 फरवरी में अपना अंग्रेजी पेपर का एग्जाम हो जाएगा। और इसके बाद 21 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 22 फरवरी को आपका हो जाएगा ऐच्छिक विषय का, यानी जो ऑप्शनल पेपर आप लेते हैं उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB के द्वारा से आपके लिए एग्जाम डेट निकाला गया है, ये सब एग्जाम डेट है। साथ ही साथ जिनका व्यावसायिक टूरिज्म कोर्स होगा, यानी जो व्यवसायिक के फील्ड में जो ऐच्छिक कोर्स होगा जिसमें सुरक्षा, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट, ये जो सारे पेपर से, ये होगा आपका 23 फरवरी से। यानी कहने का मतलब मेनली आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होता है, 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा आपका, 22 फरवरी तक मेनली एग्जाम आपका चलने वाला है। तो ये था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा से जारी किया गया एग्जामिनेशन प्रोग्राम, एग्जामिनेशन रूटीन, जिसके अकॉर्डिंग परीक्षा आपका 15 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक मेनली चल रहा है। 23 फरवरी को ऑप्शनल यानी ऐच्छिक विषय वालों का परीक्षा है, और इस ऐच्छिक विषय में जो व्यावसायिक ऐच्छिक विषय है उनका एग्जाम है, बाकी मेन एग्जाम कब तक है, 22 फरवरी तक है। तो ये आपका एग्जामिनेशन का प्रोग्राम है, ये आपका एग्जाम का रूटीन है। अब एकदम परीक्षा को लेकर के ताबड़तोड़ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि मैं आपको हर सब्जेक्ट का आपको बताऊंगा टॉप MCQ क्वेश्चन, यानी टॉप बहुविकल्पीय जो प्रश्न होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसको लेकर के मैं आपको गाइड करूंगा। साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि एग्जाम में आपका बेहतर से बेहतर स्कोर आ सके और आप एग्जाम में अच्छे नंबर के साथ पास हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम रूटीन को समझ गए होंगे और आप अपने दिलो दिमाग में इस चीज को फिट कर लिए होंगे कि किस दिन कौन सा पेपर का आपका एग्जाम है। हालांकि फिर भी आप नहीं समझे होंगे तो आप इसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं। और ये जो PDF जो आप देख रहे हैं, इस PDF का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा, वहां से जाकर के डायरेक्ट आप भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बट अगर प्लीज चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको लगातार बिहार बोर्ड की तरफ से मिलता रहे। धन्यवाद।